करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनेटरी थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल की सेकंड फेज सेकंड अवस्था हमारी है रेसेशन। रेसेशन क्या होता है, किसी भी ट्रेड साइकिल में जब प्रॉस्पेरिटी बूम खत्म हो जाता है तो उसके बाद की जो अवस्था आती है उसे हम रेसेशन कहते हैं। रेसेशन में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो सेल होता है, तो वो क्या होता है, वो कम सेल होने लगता है एज कंपेरिजन क्या होता है प्रॉस्पेरिटी बूम की। इसमें फर्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिमांड। डिमांड कैसे पता लगता है, जैसे कि हम प्रॉस्पेरिटी बूम में देखते थे कि हमारे यहाँ पे क्या था, 10 लोग किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते थे, तो जो हमारा रेसेशन है उसमें क्या होगा, 10 लोग की जगह पे 5 लोग ही डिमांड करेंगे। जब आप लोगों को पता है कि 10 लोगों की जगह पे रेसेशन में 5 लोग डिमांड करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन लेवल भी क्या होगा, जो प्रोडक्शन में यूनिट बनेगी वो पहले 20 बन रही थी, तो अब क्या होगा, 10 ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि हमारी क्या होगी, रेसेशन में डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से क्या होगा, हमारा अब इससे हमारी जो यूनिट्स हैं वो भी कम बनेगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, डिमांड का लिंक क्या हो जाता है, प्रोडक्शन से हो जाता है। प्रोडक्शन से कैसे लिंक होगा, पहले 10 लोग किसी चीज़ को खरीदने 10 लोग खरीदना चाह रहे थे, तो हम क्या बना रहे थे, उसकी 10 यूनिट बना रहे थे। पर अब क्या हो गया, लोगों ने क्या करा, 5 लोगों ने उसे खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जब हम 5 लोगों ने उसे खरीदना कर दिया, तो हमने क्या करा, उसकी 5 यूनिट बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों, क्योंकि हमारी क्या होगी, डिमांड कम होगी, तो सिंपल सी बात है हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन भी हमारा कम होने लगता है। पर रेसेशन क्या होता है, किसी भी बिजनेस की वह कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कम जरूर हो जाता है, पर फिर भी वह क्या होता है, क्योंकि जितनी भी एक्स एक्सिस से ऊपर होता है हमारा, ये सारा हमारा प्लस पॉइंट में आता है, पॉजिटिव वे में होता है, और जितना भी एक्स एक्सिस के नीचे होता है ये सब हमारा क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव में। तो इसमें मार्केट में प्रोडक्ट सेल तो होता है, पर वो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी बूम की अवस्था से क्या होता है, कम सेल होने लगता है, जिसके कारण जो हमारी इसकी थर्ड अवस्था है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी हमारा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए प्रॉस्पेरिटी बूम में हमारा 60% अगर प्रॉफिट होता था, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 50% ही प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए 10 लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसकी 10 यूनिट बन रही थी। आज क्या हो गया, 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी 5 यूनिट बन रही है। तो 10 लोगों जब डिमांड कर रहे थे, 10 यूनिट बन रही थी, तो हमारा प्रोडक्शन और जो प्रॉफिट हो रहा था वो 60% हो रहा था। अब क्या हो गया, 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, 5 की यूनिट प्रोडक्शन की बन रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 50% हो जाता है। फिर बात करते हैं हम इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की। कैसी बात है, देखिए, जब यहाँ पे 10 लोग डिमांड कर रहे थे और क्या होता, किसी चीज़ की 10 ही यूनिट बन रही थी, तो हमें क्या हो रहा था, यहाँ पे 60 लोगों की जरूरत पड़ रही थी उस यूनिट को बनाने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, डिमांड घट के कितनी होगी, 5 होगी, और जिसके कारण क्या होने लगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा कम होने लगा। जब हमारा प्रोडक्शन लेवल कम होने लगा, तो जब यहाँ पे 5 होने लगा, तो हमारे जो थे 60 मजदूर थे, उसमें से हमने क्या करा, 30 को निकाल दिया, और यहाँ पे कितने बच गए, 30 बच गए, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है, बेरोजगारी की अवस्था आनी शुरू हो जाती है। बेरोजगारी की अवस्था आने के बाद क्या होता है, अनयूटिलाइज्ड जो होते हैं हमारे रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, वो सारे कैसे होने लगते हैं, अनयूटिलाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, पर हमें पता लगा कि हमारे क्या हो रही, मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही। जब डिमांड ही नहीं होगी किसी चीज़ की, तो हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल रखा था, वो रॉ मटेरियल क्या होगा, एज इट इज़ रह जाएगा, वो क्या होगा, बच जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं, और उनका क्या होता है, सही से काम नहीं हो पाता। तो रेसेशन क्या होती है, किसी भी बिजनेस की सेकंड फेज होती है, जिसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स होती है, डिमांड होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अनयूटिलाइज रिसोर्सेज होता है। इसमें हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, पहले से घटना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन लेवल भी हमारा क्या होता है, पहले 20 यूनिट बन रही थी, तो अब 10 ही यूनिट बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड क्या थी, पहले से कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी बूम में प्रोडक्ट सब अट्रैक्ट होकर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया, पर धीरे धीरे उन्हें क्या लगा कि उस प्रोडक्ट्स को जब उन्होंने एनालाइज किया, तो उसमें से कुछ लोगों को पसंद आया और कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आया। तो जिन्होंने पसंद किया उन्होंने तो उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पर जिन्हें वो पसंद नहीं आया उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो जब उन्होंने उसे छोड़ दिया, तो वहाँ पर हमारी जो कंडीशन आई, वो कौन सी कंडीशन आई, रेसेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, थैंक यू।